please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. रेरा आने से रियल एस्टेट का मार्केट डेफिनेटली सुधरेगा, क्योंकि एक तो हर चीज़ में ट्रांसपेरेंसी आ गई और इससे नो डाउट, जहाँ तक के जैसा कि लोगों को दिमाग में था कि बिल्डर्स डिसिप्लिन नहीं है, तो बिल्डर्स भी डिसिप्लिन होंगे, डेवलपर्स डिसिप्लिन होंगे और साथ ही साथ कस्टमर को भी डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। तो दोनों के ही पक्ष में है ये चीज़, दोनों के लिए ही फायदेमंद है। बिल्डर्स का रेरा से रजिस्टर होने से एक तो पूरी इंडस्ट्री को ये बेनिफिट मिला है कि जो पैसा इस काम में आता था वो इसी में लग रहा है। सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि पैसा कहीं से कहीं साइफन नहीं होता है और नेचुरली इसको बूस्ट इससे मिलेगा, क्योंकि जो प्रोजेक्ट हर तरह से क्लियर होगा वही बिकेगा। जो अभी बीच में हर तरह के लोग आ जाते थे और किसी भी तरह का प्रोजेक्ट बना लेते थे जो कि रजिस्टर नहीं भी होता था, उसमें कुछ एम्यूनिटीज़ दी कुछ नहीं दी, तो उस वजह से जो लीकेज हो रहा था या जो पैसा इधर उधर जाया करता था वो सारा एक रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट्स के अंदर आएगा और उससे डिसिप्लिन हो जाएगा, सारा पूरी इंडस्ट्री डिसिप्लिन हो जाएगी। रियल्टी मीडिया को मैं यही कहना चाहूँगा कि रियल्टी मीडिया एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जो कि अगर बिल्कुल ईमानदारी से काम कर रहा है और ईमानदारी से ही करेंगे तो नेचुरली वो इस इंडस्ट्री को बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा।